हाँ तो नमस्कार दोस्तों, केमचो के आज स्वागत करता हूँ कमल एनपी के इस चैनल में आप सबका। दोस्तों मेरा नाम है राज कमल। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक स्मार्ट डस्टबिन, ठीक है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्मार्ट डस्टबिन बनाया था, बट उसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐड नहीं थे और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट आ रहा था कि सर उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड किए, जैसे मोबाइल ओटीपी लोकेशन उसमें आ जाए। तो इस तरह का एक बहुत ही स्मार्ट डस्टबिन बनाएंगे जो कि ज़्यादातर अभी भी ये यूज़ तो हो रहा है, बट अभी क्या है ज़्यादातर जापान में या तो अदर कंट्री में यूज़ हो रहे हैं और इंडिया में भी ये यूज़ नहीं हो रहा है प्रॉपरली, और ना ही कोई इस पर पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कोई कंपनी है जो कि इस तरह का प्रोडक्ट अभी लॉन्च की है कि जो आसानी से आपके घर पे भी ये अवेलेबल हो। तो गाइस फाइनली हम लोग करने वाले क्या है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए हम लोग एक स्मार्ट डस्टबिन बनाएंगे जिसमें कि इसमें क्या क्या होगा मैं आपको फंक्शन बता दे रहा हूँ। ये ऑटोमेटिक इसमें जो भी जैसे इसके पास आप जाते हो, जैसा कि पिछले वाले वीडियो में हुआ था कि ऑटोमेटिक जब भी इसके पास जाते हो तो ऑटोमेटिक इसका कैप ओपन हो जाता है, ठीक है। और ये कैप ओपन हो जाता है, उसके बाद फिर आप इसमें डस्टबिन डालते हो, फिर आप ऑटोमेटिक ये कैप बंद हो जाता है, ठीक। सेम इसी तरह इसमें सारा काम होगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद जैसे ये भर जाता है, ठीक है, अभी यहाँ तक तो ठीक था कि ओपन हो जाता है, लेकिन अब इसमें क्या कि जैसे डस्टबिन भर जाएगा तो आपको एक मैसेज आएगा कि आपका डस्टबिन फुल हो चुका है और आप इसको आप डस्टबिन को निकाल लीजिए। और इसके अलावा जैसे ही ये फुल होगा उसके बाद आपके पास एक SMS आ जाएगा और लोकेशन भी आ जाएगा कि किस लोकेशन पे ये डस्टबिन हमारा है। अगर ये जो प्रोजेक्ट है अगर इसको आप कहीं किसी पब्लिक प्लेस में यूज़ कर रहे हो तो वहाँ के लिए आपके मोबाइल पे एक SMS आ जाएगा या तो आपका जो भी डिस्प्ले होगा वहाँ पे आपको लोकेशन मिल जाएगा कि इस लोकेशन पे है और आपको एक मैसेज भी आ जाएगा कि नहीं आपका जो डस्टबिन है ये फुल हो चुका है। तो इसी को कैसे बनाने वाले हैं और कैसे बनाते हैं मैं आपको बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में, और इसकी कोडिंग क्या होगी और इसमें कैसे इसको कॉन्फ़िगर करेंगे इस सब की पूरी सेटिंग मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ओके सो गाइस फाइनली अभी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे, आप मेरी स्क्रीन प्रॉपर देख सकते हो। देखो तो अभी गाइस हमें करना है क्या मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आर्डिनो आईडी जो है मैं उसको ओपन करूँगा। सबसे पहले आपके पास आर्डिनो आईडी इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है, ये इंस्टॉल होना चाहिए। उसको इंस्टॉल होने के बाद आपके पास कुछ कोड होने चाहिए, जो कि कोड मैं आपको यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन तो नहीं मिल पाएगा, डिस्क्रिप्शन में इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि मैं आपको एक URL दे देगा, उस URL पेज पे जाओगे तो वहाँ पर आपको सारे कोड मिल जाएंगे, क्योंकि कोड इतने लंबे लंबे हैं कि आपको अगर डिस्क्रिप्शन में रख नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। आपको लिंक URL मिल जाएगा, उस पर जाकर आपको सारे कोड मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो देखो मैं आपको बेसिकली समझा देता हूँ क्या क्या करना है कैसे है। देखो मैंने यहाँ पे दो Arduino यूज किया है, ठीक है, जिसमें से एक Arduino जिसके थ्रू मैं आपको आसानी से मैं बाकी चीज़ें तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, आपको दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने दो Arduino, एक ये Arduino यूज किया है और एक Arduino ये वाला यूज किया, ठीक है। इसमें भी मैंने पावर दे रखा है और गाइस इसमें भी मैंने पावर दे रखा है, ठीक है। और हम लोग तीनों को पावर दे रहे हैं और तीनों को, तो इसमें देखो इसमें दो Arduino एक NodeMCU इसलिए लगा रखा है। देखो इस Arduino का कुछ खास काम नहीं है, इस Arduino से हमारा 5 वोल्ट हमें प्रॉपर सप्लाई नहीं मिल पाता है, ठीक है, हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर को, इसलिए मैंने बस ये Arduino का यूज किया है, ठीक है। तो इसका अगर आप चाहो तो 5 वोल्ट बाहर से भी दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है आपको बेसिकली यूज करने का Arduino, ठीक है, बट मुझे भी मेरे पास 5 वोल्ट सप्लाई के लिए कोई ऑप्शन नहीं है तो मैंने इसको यूज कर लिया। आप भी चाहो तो यूज कर सकते हो, मेरे पास एक्स्ट्रा एक Arduino पड़ा था इसलिए मैंने यूज कर लिया, ठीक है। अल्ट्रासोनिक सेंसर आप यहाँ पर देख सकते हो, इसका जो कनेक्शन मैं आपको दे दूंगा डायग्राम चेक करके आप आराम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये क्या होगा, जैसे ही मैं इसके पास हाथ ले जाऊंगा ये ऑटोमेटिक ओपन होगा फिर बंद हो जाएगा, ओपन होगा फिर बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी क्या, अभी मैंने इसका एक कनेक्शन ऐसे निकाल के रखा है, जैसे भी मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा 7 नंबर के पिन से ऑटोमेटिक क्या हो गया काम करना शुरू कर देगा, ओके। तो अभी देखो अभी क्या है कि जैसे ही मैं इसके पास देखो जैसे ही हाथ ले जाऊंगा ये ओपन हो गया, मैं हाथ हटाऊंगा ये बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं इसके पास हाथ ले जाऊंगा ये ओपन होगा फिर बंद हो जाएगा, मैंने हाथ लगाया फिर ओपन हुआ फिर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, जैसे आप इसमें कोड डालोगे, जैसे अगर मैं NodeMCU में डालूंगा तब भी इसमें ब्लू कलर की लाइट जलती रहेगी और इसमें भी एक लाइट जो होगी ब्लिंक करती रहेगी अगर इसमें कोड डालूंगा। तो इसमें तो कोई कोड हम लोग नहीं डाल रहे इस Arduino में, ठीक है, बस हम लोग बेसिकली इस वाले कोड में Arduino डाल रहे हैं, ओके। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको कोड ले चलता हूँ अपने डिस्प्ले स्क्रीन पे और वहाँ पे आपको सारा कोड का मतलब समझा देता हूँ और कोड को कैसे डालना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे मैं आपको वो समझाता हूँ, सबसे पहले इसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं SMS के लिए, ये लिए हम लोग यूज करने वाले हैं ट्विल, या उसको ट्विलो बोल दो आप, ठीक है, ट्विलो। और उसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं SpeakThing का। तो मैं सबसे पहले अपना क्रोम खोल लूंगा, मैं क्रोम पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं ट्विलो इसको ओपन कर लेता हूँ और देन उसके बाद गाइस हम लोग यूज कर लेते हैं
ट्विलो हो गया, और अभी मेरा आर्डिनो देखिए बाबा ये काम कर रहा है, क्योंकि मैं जैसे उसके पास मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसका पिन निकाल लेता हूँ ताकि आसानी से मैं इसको एक्सेस कर पाऊँ। और ये थिंग स्पीक हो जाएगा, ठीक है, और थिंग स्पीक है, और इसमें आपको एक आईडी, फ्री आप आईडी बना सकते हो। तो मैं सिंपल से यहाँ पे आता हूँ, लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, मेरी ऑलरेडी एक अकाउंट है तो मैं आपको ऑलरेडी लॉगिन भी कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं चाहूँ तो मैं एक मिनट मैं नया आईडी बना लेता हूँ, ज़रा सिंपल आसान होगा, ठीक है। आपको कैसे लॉगिन करना, कैसे साइनअप करना, आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। मैं अपना एक ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दूंगा, जैसे मैं यहाँ पे ईमेल आईडी जो भी है मैं अपना डाल लेता हूँ एक, तो मैं यहाँ से फिर से डालता हूँ, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आया होगा, तो मैं अपना जीमेल आईडी खोल लेता हूँ जहाँ पे मुझे एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा। मैं अपना यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालूंगा, मैं वेरिफिकेशन कोड यहाँ से कॉपी करूंगा, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा, देन वेरीफाई करूंगा। जैसे ही वेरीफाइड हो जाएगा इसके बाद हमें एक फ़ोन नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो मैं अपना एक फ़ोन नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पे, सेंड वाया ओटीपी पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये मुझे एक मोबाइल पे मेरी ओटीपी आ जाएगा, मैं यहाँ पे वो ओटीपी अपना एंटर कर दूंगा। यहाँ पे रिकवरी कोड के लिए बोला है, आप चाहो तो इसको सेव करके रख सकते हो, मैं अभी कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब फटाफट हमें ट्विलो अकाउंट जो है इसको हमने प्रॉपर सेटअप कर लेना है। ठीक है, अभी वेरीफाई कर रहा है, और यहाँ पे मुझे कुछ डिटेल्स ये मुझसे लेगा, तो मैं अपने हिसाब से मैं यहाँ पे इसको डिटेल्स फिल करता हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे जो भी चाहो आप ऐसे फिल कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे करता हूँ विथ कोड, और फिर यहाँ पे मैं सी शार्प लगा लेता हूँ, और फिर यहाँ पे ओके, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ट्रायल दे दिया 15.50 डॉलर का, मैं गेट फोन नंबर पे क्लिक करता हूँ, मैं गेट फोन नंबर पे क्लिक करता हूँ, और मुझे यहाँ पे एक नंबर मिल गया, मुझे एक नंबर अलॉट हो गया, मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको फाइनलाइज कर लेता हूँ, उसको वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे हमें यहाँ पे एक नंबर मिल चुका है, ओके, हमारी ये अकाउंट SSID होगा, ये ऑथेंटिकेशन टोकन होगा, ठीक है, ये हमारा फ़ोन नंबर होगा, ओके। तो ये बहुत आसान होगा हमारे लिए, अब मैं यहाँ पे एक्टिव नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ, ये हमारा एक्टिव, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे यहाँ पे एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट क्लिक करूँगा, और थिंग स्पीक पे जाके मैं यहाँ पे अपना क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ चैनल पे, यहाँ पे लिखता हूँ मैं माई चैनल, और तो हमें यहाँ पे बेसिकली एक चैनल बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे चूज़ करूँ तो अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ लिख भी लिख लेता हूँ, और स्टूडेंट, मैं ओके कर लेता हूँ, न्यू चैनल पे क्लिक करूँगा, और मैं यहाँ पे एक न्यू चैनल बना लेता हूँ, मैं स्मार्ट डस्टबिन बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं मेरे लिख लेता हूँ मेक डस्टबिन, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेवल, या बिन लेवल लिख लेता हूँ। हम लोग इन फ्यूचर इसको ऐसा ऐड कर सकते हैं इसमें बिन लेवल के, यहाँ पे एक ग्राफ में शो करे बट चाहे तो, बट अभी फिलहाल में हम इस वीडियो में तो नहीं करने वाले, नेक्स्ट वीडियो में, फ्यूचर वाले वीडियो में करेंगे तो मैं भी कर सकते हैं, बट अभी नहीं, यहाँ पे ऑप्शन रखते हैं हम लोग। ऐप्स पे जाते हैं, थिंग HTTP पे जाते हैं, क्योंकि जो कि हमें इसका यूज करना है। यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ इसका, मैं स्मार्ट डस्टबिन रख लेता हूँ, या तो टीलो SMS लिख लेता हूँ, ठीक है। मुझे इवाल क्या हो सकता है, तो मुझे जाना पड़ेगा यहाँ पे, और मुझे यहाँ पे ओके, मुझे इसमें जाना पड़ेगा, मैसेजिंग पे जाइए, ओवरव्यू पे जाइए,
और यहाँ पे ट्राई पे एक बार कर सकते हो, नहीं आप ओवर व्यू पे करो, ट्राई मैसेज यहाँ पे ऑप्शन दे रहे हैं, तो ट्राई मैसेज एसएमएस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे वर्चुअल के यूज पर्सनल मेल फोन नंबर पे क्लिक कर दो। गाइस यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिल जाता है, इसको क्या करो कॉपी कर लो आप। मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ, देन पेस्ट करता हूँ और देन इसको हटा देता हूँ। ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे पूछ रहा है, तो ऑथेंटिकेशन के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसा करता हूँ, मैं ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे अकाउंट एस आई डी यहाँ पे जाएगा, और पासवर्ड के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ ये ऑथेंटिकेशन टोकन, यहाँ पे डाल देते हैं हम लोग। और देन डालने के बाद यहाँ पे गेट है, इसको हम लोग कर लेते हैं पोस्ट, और देन यहाँ पे कंटेंट टाइप में यहाँ पे एप्लीकेशन स्लैश www फ्रॉम अन URL इनकोडेड, ठीक है। तो URL इनकोडेड अभी यहाँ पे जो लिखा है इस चीज़ को मैं आपको दे दूंगा, आपको लिंक में सारा कुछ मिल जाएगा कैसे कैसे इसको क्या टाइप करना है आपको, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाल सकते हो अपने हिसाब से, और देन यहाँ पे मैं रिमूव करता हैडर, यहाँ पे होस्ट टाइप में आप छोड़ दो। बॉडी में आपको जो लिखना है मैं आपको वो बताता हूँ क्या 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 लिखना है और कैसे लिखना है, ठीक है। तो आप हालांकि यहाँ पे डालने के बाद फिर मैं यहाँ पे इसको रिमूव कर लेता हूँ हेडर, और बॉडी में आपको जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ ये आपको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ठीक है। मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, और यहाँ पे जो फ़ोन नंबर है फ़ोन नंबर मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो जो हमारा फ़ोन नंबर ये वो ये है इसको कॉपी करता हूँ। देन यहाँ पे फॉर्म में यहाँ पे जो ट्विलियो का नंबर होगा वो ट्विलियो नंबर डाल देना है यहाँ पे, और ये वो नंबर होगा जिस पे आपको ओटीपी चाहिए होगा, ठीक है। जिस नंबर पे आपको ओटीपी चाहिए होगा वो नंबर यहाँ पे इसको डाल देना है आपको, सॉरी वो ओटीपी नहीं एसएमएस बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। तो बॉडी में मैंने लिख दिया डस्टबिन इज फुल। उसके बाद मुझे लोकेशन भी अगर ऐड करना है तो लोकेशन भी आप यहाँ पे आसानी से ऐड कर सकते हो, ओके, बहुत आसान है। यहाँ पे आपको अपने किसी भी एड्रेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकालना है, और पहले लैटिट्यूड रखना है, उसके बाद फिर लॉन्गिट्यूड यहाँ पर रख के आप आसानी से यहाँ पे पेश कर दो, ऑटोमेटिक आपको गूगल मैप ये बना देगा। मैं सेव थीम पे क्लिक करता हूँ और ये कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे हमें बनाना होता है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, तो मैं यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, और ये इसका भी मैं आपको लिंक हो सकता है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, या तो वेबसाइट के लिंक पे मिल जाएगा जहाँ से आप अपने एड्रेस का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड निकाल सकते हो। जैसे मैंने एक एड्रेस डाला, यहाँ पे फाइंड पे क्लिक कर दिया, और यहाँ पे ये मेरा एड्रेस है। अब ये क्या किया, इसने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे मुझे बना के दे दिया एग्जैक्टली क्या लोकेशन है। अब मैं इस लोकेशन को आराम से कोऑर्डिनेट में या इसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यहाँ पे पेश कर दूंगा और मुझे एक लोकेशन जनरेट हो जाएगा, ओके। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, बहुत सिंपल है। अब हमें जाना है, ओके। सो गाइस आर्डिनो ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से कोड मिल जाएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा, लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सारे कोड मिल जाएंगे। कोड में जाने के बाद आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, तो यहाँ पे देखो कुछ लाइब्रेरी आपको पहले से यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। एक चीज़ आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, अगर आप फर्स्ट टाइम आर्डिनो चला रहे हो तो हो सकता है आप में कुछ सेटिंग्स ना हो। जैसे सेटिंग में आपको बता देता हूँ फटाफट, जैसे कि आप यहाँ पे जाओ प्रेफरेंस पे जाओ, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एक URL, इसका भी मैं आपको लिंक, जो आप ब्लॉग खोलोगे उस ब्लॉग में आपको भी ये लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्या करो उसमें इसमें डाल दो, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, ओके करोगे तो ऑटोमेटिक कुछ लाइब्रेरीज को कुछ बोट मैनेजर हो गए ऑटोमेटिक ये इंस्टॉल कर लेगा, ठीक है। ये कोड हमारा है ESP8266 के लिए, ठीक है। नोड MCU जो है उसके लिए हमारा ये जो कोड है उसके लिए, ओके। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे SSID में आपको अपना वाईफाई का नाम चेंज कर लेना। जैसे वाईफाई का, जैसे मेरे यहाँ पे वाईफाई का नाम क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। वाईफाई पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे मेरे वाईफाई का नाम है Rama 4G, तो मैंने यहाँ पे Rama 4G लिखा है। उसका जो भी पासवर्ड मैंने यहाँ पे वो पासवर्ड डाल के रखा है, ओके। और देन यहाँ पे गाइस हम लोग आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे हमें डालना होगा API की, ठीक है। तो आपने HTTP का, अभी तक आपने जो HTTP का ये बनाया था थिंग स्पीक से जो भी आपने बनाया था, यहाँ पे आपको एक API की मिलता है, तो यहाँ पे API की लिख दो आप। और लिखने के बाद देन यहाँ पे आप जाओ, एक मिनट मैं यहाँ पे जाता हूँ, और देन यहाँ पे क्या करो ये API की यहाँ पे पेस्ट कर दो, ओके। यहाँ पे क्या कर दो, स्किन क्या कर दो, ये पेस्ट कर दो। जैसे आप पेस्ट कर दो गाइस क्या होता है, आपका ये काम ये एडजस्ट हो जाता है। और देन अभी हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कर देना है अप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे हमें डिस्टेंस कितना हम लोगों को रख रखा है, यहाँ पे डिस्टेंस रखा है 100, ठीक है। अगर 100 सेमी जैसे ही होगा, ठीक है, 100 सेमी के अंदर में जैसे ही आएगा ये ऑटोमेटिक हमें मैसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, और अभी मैं अपने स्क्रीन का जो मोबाइल का स्क्रीन है मैं उसको भी रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ ताकि आपको दिखता रहे, ठीक है। आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लगा लेता हूँ अपना,
ठीक है, अभी स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे शुरू हो कर चुका हूँ और मैं यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो आपको मैसेज जो गाइस ये दिख रहा है ना, ये पहले का मैसेज है। अभी मतलब भी अब देख दो, 4:37 हुआ, 4:34 पे मैसेज आया। मैं एक्चुअली टेस्ट कर रहा था कुछ टाइम पहले ही, ताकि आपको वीडियो बनाने से पहले बार चेक कर लूँ प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सीरियल मॉनिटर ओपन कर लेता हूँ, और एक बार ना रीसेट वाला जो आपके नोड एमसीयू में एक रीसेट का बटन होगा वो आपको दिख जाएगा, तो उसको एक चाहो तो एक बार प्रेस कर लो, तो इसमें कनेक्टिंग टू रामा 4G कनेक्ट कर लेगा वाईफाई से। जैसे ही कनेक्ट करेगा उसके बाद ठीक है, अभी कनेक्ट कर ले, अभी ये डिस्टेंस मेजर कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैं इसके जो अल्ट्रासोनिक सेंसर है उसके पास हाथ ले जाऊंगा, ताकि इसको महसूस हो कि हाँ ठीक है ये डस्टबिन भर रहा है या फुल हो रहा है, ऐसा कुछ दिखे। अभी जब कुछ ऐसे 100% होना चाहिए, 100 के ऊपर जैसे जाएगा तभी मुझे ये मैसेज करेगा। तो मैं अभी उसको ऐसा फील करा रहा हूँ कि अभी मेरा जो डिस्टेंस है वो तुम्हें 100 मिल रहा है। ठीक है, मैं उसको ऐसे फील करा रहा हूँ, ऐसा है नहीं बट मैं उसको फील करा रहा हूँ। या तो इसमें आप चाहो तो बहुत सारे पूरे कबाड़े जो भी आपको भरना है आप उसको भर सकते हो। ठीक है, आप उसको भर दो, उसके बाद क्या होगा, उसको ऐसा लगेगा कि नहीं ये क्या है जो डिस्टेंस है ये कितना हो गया है, 100% मतलब कि क्या है, फुल हो रहा है। उसको लगेगा कि डस्टबिन जो है वो फुल हो गया, इसलिए अब वो उसको मैसेज सेंड कर देना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे 0 बता रहा है, एक्चुअली यहाँ पे सही से मेजर कर रहा है ये, बट अभी मैं यहाँ पे हाथ लगा रहा हूँ फिर कभी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसलिए ऐसा कर रहा है। ओके, तो मैं अभी अपना अल्ट्रासोनिक सेंसर उसको हाथ अभी हाथ में पकड़ ले रहा हूँ, ठीक है बाकायदे, ताकि ये प्रॉपर इसको लगे कि नहीं ये डस्टबिन जो है हमारा फुल हो चुका है। ओके, देखो अभी 100, देखो ठीक है 151 गया, और देखो अभी मुझे ये मैसेज आ जाना चाहिए। देखो अभी आपके सामने ये मैसेज आ जाना शुरू हो गया। ठीक है, अभी आपके सामने देख सकते हो कि 4:39 पर, और देखो ये देखो कहीं मेरे पास मैसेज पे मैसेज आना शुरू हो गया। ठीक है, एक मैसेज आ गया मुझे। ठीक है, और अभी देखो अभी ये मुझे मैसेज फिर से इसने कर दिया, फिर से मुझे इसमें मैसेज कर दिया, क्योंकि जैसे ही ये एसएमएस जाएगा, जैसे ही भरेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, ये मैसेज मुझे कर देगा। ठीक है, और ऐसा भी कर सकते हो कि आप जैसे ही एक बार फुल करें, अभी देखो अभी 48 हो गया, फिर अगर ये दोबारा फिर से मेजर करेगा, ठीक है अभी जैसे दोबारा फिर से मेजर करेगा, और ये जैसे इसे 100 होगा ये क्या करेगा हमें, अभी देखो 159 पे गया, तुरंत इसने मुझे मैसेज सेंड कर दिया। ओके, तो आपने देखा कि ये किस तरह से ये काम कर रहा है, और ये हमारा मैसेज हमें मिल जाए। आप देख सकते हो कि स्क्रीन, मोबाइल की स्क्रीन पे भी ये स्क्रीन हमें किस तरह से दिख रहा है रिकॉर्डिंग। ओके, चलो मैं मोबाइल का इस रिकॉर्डिंग जो उसको ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ कर दिया, और देन अब हमें करना क्या है, अब हमें फटाफट यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो लोकेशन हमने भेज लिया, एसएमएस भेज लिया हमने, अब हमारा क्या है कि जो आर्डिनो है, आर्डिनो की कोडिंग कैसे करनी है। तो आर्डिनो की कोडिंग करने के लिए ना दोनों को वन बाय वन करके करते हैं। तो मैं करता हूँ क्या, सबसे पहले काम हमारा के मेरा क्या होगा कि मैं यहाँ पे जो अपना आर्डिनो है, ठीक है आर्डिनो को कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और इसमें से मैं अपना नोड एमसी वाला जो प्लग है और बाकी के जो प्लग्स लगे हैं उसको मैं निकाल लेता हूँ। वैसे यहाँ पर मैंने निकाल दिया है, और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आर्डिनो का जो प्लग इन है मैं उसको ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, आर्डिनो को प्लग इन ऐड कर दिया, और मैं इसको यहाँ पर भी कैंसिल करूंगा और यहाँ पे एक नया स्केच ले लूंगा। ठीक है, नया स्केच से बनाना शुरू करेंगे हम लोग। ओके, यहाँ पे हमें आर्डिनो के कुछ कोड चाहिए होंगे, तो आर्डिनो के कोड आपको यहाँ पे मिल जाएंगे आसानी से। अच्छा, आपको इंटरनेट पे जितने भी कोड मिलते हैं उन सबसे बेस्ट कोड है इसमें, इस कोड में आप आसानी से देख सकते हो कि बेसिकली आपको क्या चाहिए होगा। आप इस कोड में प्रॉपरली आपको दिखेगा कि कितना डिस्टेंस आ रहा है, कितना डिस्टेंस जा रहा है, वो 100 पे ही बंद हो रहा है कि नहीं, ये सब भी आपको यहाँ पे इस कोड में मैंने प्रॉपर बना के रखा है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट कोड है, आपको पूरे यूट्यूब पे इतना बेस्ट कोड नहीं मिलेगा जितना मैं आपको दे रहा हूँ ये। ठीक है, यहाँ पे ट्रिक का किस नंबर पे पिन पे कनेक्ट करना है आप ये देख लो। ठीक है, और ये ट्रिक किस नंबर पे पिन पे करने जा रहे हो आप। ओके, तो यहाँ पे आप जाओ और फटाफट यहाँ पे क्या करना है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैंने ऑलरेडी इसमें कोड डाल के रखा है इसलिए ये सारी चीज़ें यहाँ पे हरकतें ही कर रहा है। ठीक है, चलो तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले क्या करना है। ट्रिक का जो नंबर है वो 12 नंबर पे है, और इको का जो पिन नंबर है वो 11 नंबर पे है। तो सर्वो पिन किस नंबर पे है आपका, 7 नंबर के पिन पे है। एलईडी कितने पे है, ये 10 पे है। ठीक है, इसमें आप एक एलईडी भी ऐड कर सकते हो अगर आप चाहो तो। इसमें एक क्या कर सकते हो, एक एलईडी भी आप इसमें यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप अपने इच्छा के अनुसार। और इसमें चाहो तो इन फ्यूचर अगर आप कहोगे तो मैं इसमें एलईडी से क्या क्या वर्क करना चाहते हो मैं वो आपको करके बता दूंगा। ठीक है, अगर आप ये कहेंगे तब। ठीक है, अगर आप लोगों का कमेंट अच्छा रहा, आप लोगों ने बहुत सारा कमेंट किया कि नहीं मुझे एलईडी के साथ और भी कुछ करना है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें आपको ऐड करके दे दूंगा। ओके गाइस, तो मैं अभी फिलहाल में एलईडी मेरे पास, मैं देख रहा हूँ मेरे पास एक एलईडी भी है, मैं एलईडी ऐड भी कर देता हूँ इसमें एक्चुअली, और मैं क्या करता हूँ ऐड ही कर देता हूँ इसमें। मैंने एलईडी को भी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अभी एलईडी से क्या हो रहा है कि हमारा ये पता चल रहा है कि हमारा जो स्रोमीटर वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, मतलब ये ऑन है, हमारे पास एक लाइट की ब्लिंकिंग आ रही है। ठीक है, चलो
तो अगर आप चाहो तो एलईडी ऑफ ऑन भी करवा सकते हो, अकॉर्डिंग टू सर्वो मोटर, मतलब सर्वो मोटर ऑन हो रहा है तो इसको बंद चालू करवा सकते हो। बट ये अगर आप लोगों को कमेंट आया तो मैं इसको बता दूंगा, ठीक है, कैसे क्या करना होता है। तो सबसे पहले देखो फटाफट कि यहाँ पे आपको ट्रिक पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करना है, इको को 11 नंबर पे, और सर्वो मोटर का 7 नंबर पिन पे, एलईडी को 10 नंबर पिन से कनेक्ट कर सकते हो आप। ओके, ये सब कुछ करने के बाद इसमें मैंने 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। 50 सेंटीमीटर के अंदर में कोई भी आता है, कोई भी ऑब्जेक्ट आता है, तो वो क्या करेगा, सर्वो मोटर को मूव कराएगा। और अगर 50 मीटर से कोई भी दूर जाएगा, मतलब हाथ हटा लेगा कोई, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये सर्वो मोटर मूव करेगा, अगेन मूव करेगा, और ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ओके, आप इतना समझ गए होगे आई थिंक। ओके चलो, यहाँ पे कितना कितना हम लोग इसको मूव करा रहे हैं, इसको हम लोग मूव करा रहे हैं 90 डिग्री पे, ठीक है। आप चाहो तो इसकी संख्या, इसकी जो मतलब जो भी इसका घूमने का रोटेशन है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब। तो मैं यहाँ पे अपलोड कर पे क्लिक करूंगा सिंपल, और हमारे आर्डिनो में अपलोड करना शुरू होगा। लेकिन बट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको बोर्ड कौन सा यूज किया, उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो अभी यहाँ पे एरर दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे टोटल जो पोर्ट है, मैं पोर्ट कॉम को सेलेक्ट करता हूँ, देन अगेन यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे बोर्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। पहले बात, मुझे पता है कि ये सब चीज़ आपको जल्दी यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलती, जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जो भी इसने बना कर रखा, जिसने भी कोड देते हैं ये लोग, सारे सारे लोग उसको पेड बनाते हैं, बट आपको फ्री मिल रहा है। तो मैं आपसे एक हेल्प चाहूँगा कि आप जितना हो सके इसको, अगर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और हो सके तो लाइक करो, जितना शेयर कर सकते हो भाई शेयर कर दो, बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। चलो यूनो पे क्लिक करते हैं और देन यहाँ पे ओके करते हैं, देन यहाँ पे अपलोड करते हैं और अपलोडिंग पे लगा देते हैं और देखते हैं। ओके सॉरी, यहाँ पे शायद आई थिंक कुछ इसको मिस्टेक लग रहा है। मैं यहाँ पे ओके, पोर्ट है, सब कुछ सही है, आर्डिनो यूनो है, ओके सही तो है, आई थिंक वो ले लेना चाहिए। अभी अपलोडिंग हो रहा है, कंपाइलिंग हो रहा था, ओके अपलोडिंग डन, अपलोडिंग डन हो गया। अभी ये गैस आप यहाँ देख सकते हो, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सारी मोटर। देखो अभी यहाँ आपको डिस्टेंस बता रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे ही मैं इसके पास हाथ ले जाता हूँ, देखो कितना, वो 50 से कम है, इसलिए ये क्या है, ओपन है, 50 से कम इसलिए ओपन है। अभी देखो मैं दूर कर रहा हूँ इसको, 50 5 जा रहा है, 6 जा रहा है, अभी देखो 12 जा रहा है, अभी देखो 7 10 12, ठीक है। अभी जैसे ही 50 से नीचे होगा, देखो ये 50 45 गया, देखो तुरंत ये बंद हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये हमारा डिस्टेंस मेजर करेगा, और आपको पूरी यूट्यूब पे ये सब चीज़ें नहीं मिलती कि डिस्टेंस भी दिखाए, ये सब चीज़ें मेजर करिए, ये सब चीज़ आपको नहीं देखने को मिलती है। एक चीज़ और, इसका रोटेशन अगर मैं बढ़ाना चाहूँ तो आप रोटेशन बढ़ा सकते हो। मैं इसका जैसे 90 डिग्री है, तो मैं इसको कर लेता हूँ 120 कर लेता हूँ, 120 डिग्री कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे लगता है कि 120 डिग्री को होगा तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से ये जो मेरा कैप है उसको अच्छे से ओपन करेगा। तो मैं 120 डिग्री कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ, और देन यहाँ पे मैं इसको अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हुआ ये गाइस, अपलोड होने के बाद क्या है, सिंपल से अपलोड हो गया, हमने यहाँ पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद हम यहाँ पे फिर से सीरियल मोटर देखते हैं, और यहाँ पे देखते हैं कि कितना ये क्या ओपन हो गया। अभी जहाँ पे ये 90 डिग्री हो रहा था, तभी क्या कर रहा है, ये टोटल 120 कर रहा है। अभी मैं चाहूँ तो इसकी संख्या थोड़ा सा और बढ़ा सकता हूँ, मैं इसको बढ़ा देता हूँ 180 कर देता हूँ सीधे सीधे, ठीक है। और मैं देन यहाँ पे अपलोड करता हूँ, और इसके बाद ये प्रॉपर मुझे मूव करने का मौका देगा, प्रॉपर अच्छे से ये मूव कराएगा मुझे, ठीक है। डन अपलोडिंग होगी, मैं इसको पास ले आता हूँ, अभी मुझे 180 डिग्री ये पूरा मूव करा रहे हैं। अब ये मेरा जो कैप है ना, प्रॉपर ओपन हो रहा है, पहले ऐसे प्रॉपर प्रॉपर ओपन नहीं हो रहा था, अभी मेरा जो कैप है प्रॉपर ओपन कर रहा है मुझे, ठीक है, ये प्रॉपर अच्छे से ओपन हो जा रहा है। ओके गाइस, तो इस हिसाब से आप इसको मैनेज करते हैं, 180 डिग्री 120 डिग्री, ठीक है। तो ये ऐसे अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। सो मेरे ख्याल से आज के वीडियो के लिए इतना ही, स्मार्ट डस्टबिन का यही सीरीज, मतलब जो भी था एक ही बार में बताया, मुझे पता है थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, बट मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो को थोड़ा से शॉर्ट में बनाऊँ और इसको 30 से 35 मिनट में कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। वैसे ये पूरा वीडियो बनाने में, शूट करने में मेरे ख्याल से 1 घंटे का ऊपर जा रहा है टाइम, बट मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करूँगा और देन इसको 30 से 35 मिनट में खत्म करूँगा। ओके, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़, जय हिंद, जय भारत।